2008 बीजिंग ओलंपिक से रेसलिंग ने हमेशा भारत के लिए एक मेडल दिया है। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक्स में पहले रेसलर बने हैं जो भारत के लिए मेडल जीता है। अमन यार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, खुश हो जाओ, थोड़े से स्माइल ले आओ। कैसा फीलिंग होता है जब देश का तिरंगा ऊपर जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसे में गोल्ड पर जाता तो और भी अच्छा लगता है। अमन ये बताइए कि जब आप आज मैच में गए थे, सब तरफ से विनेश की न्यूज़ आई थी कि उनका वेन हुआ था, कि आपके ऊपर भी प्रेशर था कि आपका भी वेन आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले बाधा थी और देन आपका मैच था। हाँ, ये मतलब कल तो थी भाई, मेन तो वेट लाना है, तो फिर भाई यही सोच रहे थे भाई विनेश के साथ जो हुआ कभी मेरे साथ नहीं हो जाए, तो मतलब पूरा वो था ध्यान। तो आपने क्या किया उस जब आपका कल सेमीफाइनल मैच हो गया था, उसके बाद आपने क्या किया? बस प्रैक्टिस करी, तो दो तीन प्रैक्टिस करनी पड़ी जब जाके कहीं आया था। और आज के बाउट के पहले आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि पोर्टो रिको के जो लेसर थे वो भी अच्छे काफ़ी है और ब्रॉन्ज मेडल मैच को तो हमेशा टफ होता है। कुश्ती से पहला तो बस यही चल रहा था भाई क्या रहेगा, पूरा देशवासी देख रहे होंगे कुश्ती को ऐसे, पर जब मैट पे हम चढ़ गए तो बस सब कुछ खत्म हो गया, जब अपनी कुश्ती हाँ भाई जो प्लान बनाया था उसी के हिसाब से लड़ेंगे। अच्छा, आपके भाई भी है जो वो भी कुश्ती खेलते हैं, हमें मालूम, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरा भाई सागर है, मतलब वही मेरा ध्यान रखते हैं स्टेडियम में, जो शुरू से ही बस उसी ने ध्यान रखा था, और परिवार ताऊ काका जो सब ने। अच्छा, एक और बात, अभी आप जो मेडल जीते, आप ये किसको डेडिकेट करना चाहोगे? ये सभी देशवासियों को। अब एक बात बताइए, क्योंकि आप इकलौते ऐसे पुरुष खिलाड़ी थे, रेसलर थे इस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से, तो क्या आपके ऊपर प्रेशर था, और ऊपर से क्योंकि रेसलिंग में हमेशा मेडल जीतते आ रहे बीजिंग ओलंपिक्स से? प्रेशर तो बहुत था, फिर मतलब कई समझा भाई तू ऐसा लड़, जैसे डिस्ट्रिक्ट लड़ रहा हरियाणा में, मतलब अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लड़ रहा न्यू मसूर, तू ओलंपिक लड़ रहा है, तो उसी के हिसाब से लड़ना। हमें ऐसा मालूम पड़ा कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफ़ी देखते हैं, तो कौन आपका फेवरेट कैरेक्टर है उससे? जेठालाल। और कुछ बताइएगा, आपको क्या पसंद है? बस वैसे सभी अच्छे हैं वैसे तो। अच्छा, लेकिन अभी आप जब ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, अभी आगे आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आपको अगले ओलंपिक्स में भी अच्छा प्रदर्शन करना है? तो आगे तो गोल्ड की सोचेंगे, ब्रॉन्ज तो जीत लिया, अब गोल्ड का टारगेट देखेंगे। उसके लिए आपका क्या टारगेट रहेगा? अभी आप ओलंपिक्स तो खत्म हो गए, लेकिन आप आगे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे? मतलब जो ये कमी रही है भाई, जो पीछे प्रैक्टिस में भी कमी रही होगी, जब भी तो मतलब यहाँ पर बाउट आ गए, कमी नहीं रहती तो फर्स्ट आते हम भी, तो मैं वे कमी आगे ओलंपिक में नहीं, उन्हीं पर काम करेंगे। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत के देश का गौरव बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट ओलंपिक्स में आपका मेडल का कलर चेंज हो और आप गोल्ड मेडल जरूर दिखे। धन्यवाद दोस्त, बात करने के लिए।